सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना, ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आपकी होनी चाहिए। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बहुत ही आसान है जमी पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। आज का पंचांग 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र सुबह 8:24 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार, कार्यस्थल अभी आपके लिए अवसर का स्थान है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। अच्छी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कई अच्छे काम करने पड़ते हैं, पर इसे खोने के लिए केवल एक बुरा काम ही काफी है। कुछ पाने की चाह और आत्मविश्वास आपको एक नया स्तर प्रदान करेंगे। आपकी हर जीत आपके अंदर के ज्ञान को बढ़ाने के लिए काफी है। जब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को मिटा नहीं सकती। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता व तनाव से राहत मिलेगी। हास परिहास तथा मनोरंजन आदि कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। रिश्तेदारों के साथ मेलजोल आपसे संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा। किसी न किसी प्रकार की मानसिक बेचैनी बनी रहेगी, जिसके कारण आपको अपनी कमजोरियों का एहसास भी होगा। अचानक से घटी हुई किसी घटना के कारण आप अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो सकते हैं। यही घटना जीवन से संबंधित कई सारी बातों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयुक्त होगी। इसीलिए हर एक प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखने की आवश्यकता है। काम की जगह कुछ लोगों की नाराजगी आप पर बनी रही, लेकिन इसे दूर कर पाने के प्रयास भी आप बढ़ाएंगे, जिसके कारण परिस्थिति में बदलाव नजर आएगा। पार्टनर द्वारा छुपाई गई बातें अचानक से सामने आने की वजह से आपको अपने लक्ष्य क्षमता पर और पार्टनर के चुनाव पर पछतावा हो सकता है। सावधानियां, हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है। अपने वाणी में क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखने से परिस्थितियां काफी हद तक सामान्य रहेगी। धार्मिक स्थल पर जाने से शांति व सुकून प्राप्त। बात करते हैं लव लाइफ की। चाहत में आगे बढ़ने से केवल सोच लें कि आपके लिए प्यार या पैसे में से किसकी अहमियत अधिक है। इसके बाद ही अपने दिल की बात को जुबा पर लेकर आए। याद रखें, रिश्तों में निवेश भविष्य में लाभदायक होगा। आपका आत्मविश्वास आपके जीवन को आश्चर्यजनक कर देगा। आज आप अपने साथी के साथ मिलकर नए प्रयोगों और खोज करने में भी पीछे नहीं हटेंगे और आपके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा भी प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखिए कि अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आपके दोस्त परिवार अन्य लोग आपकी प्रेम भरे जीवन को हानि पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आज आपको सरकार और संबंधित एजेंसियों से कोई शानदार प्रस्ताव मिल सकता है, जिसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। व्यवसाय में जोखिम लेने से बचें और नई तकनीकों के प्रयोग से पहले नवीनतम कामों का ध्यान रखें। आजीविका के लिए नई परियोजनाओं का शुरू होना भी आपके कार्ड्स में है। आपका जुनून आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता करेगा। अब जब आप सफलता के इस चक्र का मजा ले रहे हैं तो इसके साथ ही नए प्रस्ताव तैयार करें और नई योजनाओं पर
काम करें, अपने लिए सबसे अच्छे करियर को चुनें और उसके बाद उसका अनुसरण तब तक करें जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर व थायराइड संबंधित नियमित जांच अवश्य करवाएं और अपने इलाज में लापरवाही ना बरतें। यूरिन इन्फेक्शन के कारण अधिक तकलीफ हो सकती है। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी को तेल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।